कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस लगातार किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के सतीपुरा फाटक से लेकर भगत सिंह चौक का पैदल मार्च निकाला। इस दौरान सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ तब तक लगातार खड़ी रहेगी जब तक कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस न ले ले। इस दौरान जी मीडिया संवाददाता मनीष शर्मा ने कांग्रेस नेताओं से खास बातचीत की। कृषि अध्यादेशों को लेकर कांग्रेस लगातार किसानों के साथ खड़ी नजर आने का दावा कर रही है। उसी कड़ी में आज कांग्रेस हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर सतीपुरा से भगत सिंह चौक तक पैदल मार्च कर रही है। इसी के शुरुआत में मेरे साथ यहां पे मौजूद हैं कांग्रेस के तमाम नेतागण, इनमें विधायक भी मौजूद है, प्रभारी भी आए हुए हैं जो जिला के प्रभारी है, पीसीसी सचिव आई से बात करते हैं। सर आप ये बताएं कि किस तरह का पैदल मार्च रहेगा और क्या कुछ रूपरेखा तय की गई है? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और पीसीसी के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश में हम जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में हम लोग पदयात्रा निकाल रहे हैं। सतीपुरा से लेकर हनुमानगढ़ जंक्शन तक का ये कार्यक्रम रहेगा, करीब 10 किलोमीटर की ये पैदल मार्च रहेगा जिसमें तमाम, चाहे वो विधायक हैं या हमारे पूर्व विधायक रहे जो प्रत्याशी हैं वो हैं, और तमाम अग्रिम संगठन वगैरह मिला करके प्रत्येक कांग्रेसी इसमें शामिल हो रहा है। कांग्रेस के विधायक, नौर के विधायक अमित असान भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। आप बताएं अमित जी, किस तरह की क्या कुछ रूपरेखा तय की है कांग्रेस ने? कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने किसानों की कमर तोड़ने के लिए जो तीन काले कानून पास किए थे उसके विरोध में लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। पूरे देश के किसानों के साथ खड़े होकर हमारे नेता राहुल गांधी जी भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। पिछले दिनों हनुमानगढ़ पीलीभीतगा में भी जनसभाएं की थी। आज AICC के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर आज पैदल मार्च निकाला जाएगा जिसमें कांग्रेस पार्टी के जिले के प्रमुख नेतागण, किसानगण शामिल होकर इन तीन काले कानूनों के विरोध में पैदल मार्च करेंगे। DCC के अध्यक्ष सुरेंद्र जी दादरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं। दादरी जी, आप ये बताएं कि क्या कांग्रेस कुछ देर से नहीं चल रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब से किसान ये अध्यादेश आए हैं तब से राहुल गांधी जी ने संसद में भी इसका विरोध किया था और किसानों के साथ धरने के अंदर कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस जन साथ है और आगे भी कांग्रेस जन किसानों के मुद्दे पे या अन्य को मुद्दा होगा उसमें साथ रहेगी। मेरे साथ PCC के पूर्व महासचिव मनीष धानिया भी मौजूद है जिन्होंने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की थी जिले के अंदर। मनीष जी, आप बताएं किस तरह का क्या रूपरेखा कांग्रेस ने तय की है? मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि शुरू दिन से ही कांग्रेस इस किसानों को पूरा समर्थन दे रही है। ये जो कानून है ये खेती को नष्ट करने वाले, फसलों और नस्लों को बर्बाद करने वाले कानून है। और पंजाब में राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर यात्रा की, हरियाणा में की, राजस्थान में आए, पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा डट के विरोध कांग्रेस ने किया। निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस के तमाम प्रभारी, विधायक, नेतागण सबका एक ही कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है, किस तरह से केंद्र के जो कृषि कानून है वो किसानों को खत्म करने वाले हैं और जो कांग्रेस है वो किसानों के साथ खड़ी रहकर तब तक खड़ी रहेगी जब तक इन कृषि कानूनों को केंद्र सरकार वापस ना ले ले। कैमरामैन सुनील के साथ मनीष शर्मा, जी मीडिया, हनुमानगढ़। और इसी के साथ